एक नई डिश बनाने जा रही हूँ, और जब आपको गर्मा गर्म चाहिए तो ये पकोड़े आप जब मन चाहे कॉर्न बनाकर तल सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है। छिले हुए वाइट कलर के आलू हैं जिसका हम आज पकोड़े बनाने में यूज करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल पकोड़े हैं। हमने आलू लिए हैं जिसको हम आलू की चिप्स जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे आकार में हम आलूओं को काट लेंगे, पतले पतले आकार में काटेंगे। और मैंने बड़ी साइज में एकदम आलू काटे हैं, इसी तरह आप भी काट लेंगे। जब हम आलू काटे हैं तो इसको पानी में हम डुबो के रखेंगे ताकि आलू हमारे खराब ना हो। हमने बहुत ही पतले पतले आकार में सारे आलू काट लिए हैं और इनको हम पानी में रख लेंगे। दूसरी तरफ हम एक बर्तन लेंगे और इसमें पानी गरम करेंगे। मैं चेक कर रही हूँ पानी गरम हुआ या नहीं, और पानी हमारा थोड़ा गरम हो गया है। और गरम पानी में हमने जो आलू की स्लाइस काटी थी वो डाल देंगे उबालने के लिए। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे आलू काफी हद तक उबल गए हैं। इनको हम चेक कर लेंगे। देखिए मैंने तोड़कर चेक किया है, हमारे आलू एकदम अच्छी तरह से उबल गए हैं। ये देखिए पूरे एकदम उबल गए हैं। आलूओं को एकदम अच्छे से उबालना है, उनमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। जितने अच्छे उबलेंगे उतने अच्छे इनको हम बारीक कर सकेंगे। अब हम आलूओं को मसल कर बारीक कर लेंगे। इनको अच्छे से बारीक करना है एकदम, इनमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। दबा दबा कर इनको अच्छे से हम बारीक कर लेंगे। मैं ये वीडियो काफ़ी समय के बाद अपलोड कर रही हूँ, और ये नई डिश है जो आपको सर्दियों में बहुत पसंद आएगी, और आप बनाकर जरूर ट्राई करना। बहुत आसान तरीके की डिश है और कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और मेथी, मैंने ये पहले ही काट के रखा था। बेसन बेसन हम डाल देंगे 2 चम्मच 3 चम्मच, और लाल मिर्च डाल देंगे, नमक, हल्दी पाउडर और अजवाइन थोड़ी, ये है हींग पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे तेल, तेल मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्सर को मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज पत्ती है वो थोड़ा ज़्यादा डाला है, और मेथी थोड़ी पत्ती मेथी कटिंग की हुई कम डाली। अब मेरे पास अदरक है, इसको भी हम कसकर डाल देंगे। अदरक डालने के बाद मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें तेल गरम करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पकोड़ों वाला जो मसाला है वो भी तैयार है एकदम। मैंने कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है, और एक हम पॉलीथीन लेंगे जिसमें ये जो भी हमने पेस्ट तैयार किया है वो भर लेंगे इसमें। ये जो भी पेस्ट है वो पूरा इस पॉलीथीन में भरकर फिर इसका कॉर्न तैयार करेंगे हम। मैंने जो पेस्ट बनाया था वो हम इस पॉलीथीन में भर रहे हैं, और हमारा कॉर्न ये देखिए जो हमने डाला है वो इसको दबा दबा कर पॉलीथीन में एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे, और ऊपर से गांठ लगा देंगे ताकि हमारा जो भी इसमें भरा हुआ मसाला है वो बाहर ना निकले। और इसको दबा कर अच्छे से कॉर्न में सेट करने के बाद ही इसका मुंह हम काटेंगे। अब हम इसको उल्टा साइड से पकड़कर इसका थोड़ा सा मुंह काट लेंगे। ये देखिए हमारा कॉर्न एकदम तैयार है भरकर।
हमारी जो मसाला है वो एकदम गाढ़ा है, इसलिए एकदम जल्दी से बाहर नहीं आएगा। अब हम तेल को चेक कर लेंगे, हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। हमारा तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम पकौड़े तल लेंगे। धीरे धीरे फिलिंग्स को दबाते जाएंगे और कैंची की सहायता से पकौड़ों को हम काट काट कर अंदर डालते जाएंगे। इसमें हमने हाथ का कम यूज किया है। जब हम पकौड़े बनाते हैं तो हमारे हाथ भी भर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ये बहुत आसान तरीका है झटपट पकौड़े बनाने के लिए। अगर आपकी इच्छा हो पकौड़े खाने की तो आप इन आसान तरीके से बहुत जल्दी पकौड़े बना सकते हैं घर पे। और ये आसान तरीका है जल्दी पकौड़े बनाने का। गोल्डन ब्राउन होने के बाद पकौड़ों को नैपकिन पेपर पर पलट दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर निकल जाएगा। इससे इसी तरह सारे पकौड़ों को हम तलकर इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम अच्छा कलर आया है ब्राउन कलर का। एकदम हमारे पकौड़े तलकर तैयार हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये पकौड़े। बहुत ही नया तरीका है इस पकौड़े को बनाने का। मैंने आज नई तरीके से आलू के पकौड़े बनाकर आपको दिखाए। लाइक करते रहिए। मैंने ये काफ़ी दिनों से काफ़ी मेहनत से वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो पे 1000 सब्सक्राइब तो बनते ही हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थम्स अप का बटन दबाना मत भूलिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी मैं अपनी अच्छी कोशिश रखूंगी कि इससे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूं। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैंने एकदम क्रंची तरीके से ये पकौड़े बनाए हैं। जब आप बनाकर खाएंगे तब आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको कैसे लगे। अगर आपको गर्मा गर्म खाने हैं तो इसको 4-5 घंटा पहले घोल बनाकर आप आराम से, गर्मा गर्म खाने हैं तो बनाकर रख सकते हैं।